उद्घाटन बहने उद्घाटन एक बबन एकर उद्घाटन बबन अब बनने के बाद चालू। ये देखो ये बच्चे हैं सिरबिला गांव के, बहुत सुंदर सुंदर से बच्चे हैं। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं बताई हूं कि मैं छत्तीसगढ़ से प्रयागराज में आ गई हूं। आप देख रहे होंगे ये नरगिस जी का जन्म असली है। तो मैं आपसे बोली थी कि मैं जब प्रयागराज में आऊंगी तो नरगिस जी का जन्म असली दिखाऊंगी। जैसा कि मैं प्रयागराज में आई हूँ तो प्रयागराज में जो हमारा गांव है उसी गांव के पास ये गांव भी है चिलबिला नामक गांव, जहां पर नरगिस जी की माता जी जगदनबाई जी खुद का कच्चा बकरी बना के बहुत सालों तक यहां पर रही हैं। वो कोई कार्यक्रम हुआ था तो यहां पूरा ये सजाया हो जाए हैं। ये सब जो बिल्डिंगें बनी हैं बहुत अभी नई बनी हैं। यहां बता रहे थे महिलाओं से मैं पूछी हूँ तो यहाँ पहले सब कच्चे मकान थे। तो आप देखेंगे एक घर का अवशेष बचा हुआ है, दरवाजे भी उधर हैं। यहाँ से मतलब काफ़ी ये जाने की जगह ने मैं आपको दिखा रही हूँ, वो दरवाजे भी हैं और ये कच्ची कोठरी रही होगी, पक्का मकान तो नहीं है। तो ये गिर गया है पर ये बोर्ड से पता लगता है। यहाँ जो माताएं हैं बहनें हैं भाई लोगों बताए हैं कि ये नरगिस जी का जन्मस्थली है। तो ये जो नरगिस जी के मतलब हमारे जो एक्टर हैं संजय दत्त जी, उनका ये ननिहाल है। तो ये माताएं हैं, उनके पड़ोसी, देखिए ये घर है उनका मतलब गिर चुका है और इनके पड़ोसी हैं, इन्हें ये सब बताए हैं, हम लिए हैं वीडियो। यानी कि नरगिस जी का जन्म तो कलकत्ता में हुआ था और जगदनबाई जी यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा मतलब आई थी, यहाँ पर रहने लगी थी। तो ये देखिए आपको मैं भी दिखाने आ रही हूँ कि नरगिस जी जिस रोग से उनका जो उनकी मृत्यु हुई थी कैंसर रोग से, तो मैं आपको हॉस्पिटल दिखाने आया हूँ कि यहाँ पर बनवाए हैं। सब गांव है, देखिए ये हॉस्पिटल है छोटा सा। कि सुनील दत्त जी पहले के लोग क्या था कि बहुत ही साफ हृदय के होते थे, जिससे प्रेम करते थे, खुल के करते थे। तो नरगिस जी से बहुत प्रेम करने का है ये एक प्रतीक है, प्रतिवाद है, एक सुनहरा उनका ये समय है कि इतना 5 बीघे जमीन को खरीद के, और इस 5 बीघे देखिए पूरा बाउंड्री वाल जो दिख रहा है आपको, 5 बीघे भूमि में कैंसर हॉस्पिटल जो कि प्राथमिक उपचार के लिए गांव वालों के लिए बहुत सुविधा हो गया, और वैसे भी और प्राथमिक उपचार के लिए भी, और इधर भी हॉस्पिटल है और बगीचा फूल पौधे सब थे। आप देख रहे हैं कि ताला बंद हुआ है तो क्योंकि शनिवार का दिन है और संध्या का समय यानी इस समय लगभग 4:30-5 बज रहा है। तो डॉक्टर आते तो हैं रेगुलर लेकिन अभी चले गए हैं, एक नर्स एक डॉक्टर नियुक्त हैं यहाँ पे जो कि लोगों को मतलब उपचार देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। और आप देखोगे तो ये रोड भी सीसी रोड भी यहाँ बना है। ये देखिए उधर भी हॉस्पिटल है छोटे छोटे से, यानी जैसे किसी को चोट लग गया, किसी को बुखार हुआ, उल्टी दस्त जो भी तेज प्राथमिक उपचार यहाँ पर हो जाता है। बोल रही हूँ आप हॉस्पिटल जब बना था तो आप मतलब कितने दिन पुराना है और कौन बनाया है इसको? एक ही बनाया है सुनील दत्त ने, सुनील दत्त। तो सरकारी हुई बकाई हाँ ना, तो होता इलाज है में होता है, आवत डॉक्टर बैठे थे ना के बराबर। ऐसे कभी कभार आ जाते हैं? नहीं आओ तो रोज है। अच्छा बराबर बैठा था सरकारी हॉस्पिटल। और कितना पुराना हुआ है? 50 साल? नहीं 50 साल नहीं हुआ है। कैंसर को अस्पताल ही बने। हाँ कैंसर का ही था मालूम उनकी मम्मी। हाँ तो उनके मम्मी को भी, हाँ उनके मम्मी के नाम से कैंसर भरा तो उनके भर रहा तो उन्हीं के नाम से ही बना। मुना चल ना ही पाए तब से वो चल बस है। तो यहाँ के जो न प्रधान रहे वो चंद्रकांत, अच्छा तभी सरकारी कही। अच्छा तो
तो जो डॉक्टर यहाँ पर नियुक्त है वो सरकारी डॉक्टर है, रोज आते हैं तो लोगों का सब पूरा इलाज करते हैं। हाँ तो जी आओ तो तेकर इलाज होता ही बा। अच्छा गांव वाले का। तो जब हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ आपको जानकारी में मतलब बना आप जानती हैं जानकारी में। अच्छा उद्घाटन में सुनील दत्ता आए थे ना? ओ भई न भाने उद्घाटन एकर भवई न भ एकर उद्घाटन भवई न भ बनने के बाद चालू हो गया। अब चालू हो गया। संजय दत्त भी कभी ना एक आध बार आए थे? अच्छा वो कभो ना यार बस वही केवल यहाँ का माटी देख आई रहे। अच्छा देखा मतलब नाप जो खैया एक कुल कराए रहे। अच्छा तब आए थे तो आप बताइए ना कि हाँ एक बार आए थे है ना एक बार आए थे मतलब जब से तैयार था तब से एक बार एक नहीं यार उनकी जिंदगी जो जीवन बहुत व्यस्त रहता है ना तो मतलब अपनी पत्नी के नाम से हॉस्पिटल को बनवाए है ना। लेकिन जब बंद रहा था तो हम लोग की भी जानकारी मिली कि मतलब नरगिस रोड है हॉस्पिटल है स्कूल है बच्चों का है ना तो यहाँ बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ है। बोर्ड अब यह बोर्ड यहाँ लगाए हैं अंदर लगाए हैं यहाँ लगाए हैं लिख दे हैं वही दे आओ अपन पोत पात के उन्हें लिख लो चल देते हैं। अच्छा तो आज आज तो शनिवार डॉक्टर कैसे नहीं आए? नहीं आए रहे चला गए 5-4। तो इस समय मैं हूँ चिलबिला गांव में जो कि नरगिस जी के नाम से सुनील दत्त जी इस हॉस्पिटल को बनवाए थे। यहाँ बोर्ड वगैरह नहीं है, मैं माता जी से पूछी हूँ बोर्ड नहीं है यहाँ पर यहाँ पर एक पहले दो डॉक्टर आते थे अभी एक डॉक्टर नियुक्त हैं जो कि डेली आते हैं और जो भी ग्रामीणों की समस्या होती है उसका समाधान करते हैं उनका इलाज करते हैं। तो मैं तो सोचती बोर्ड भी दिखाऊँगी मैं खोजी कहीं बोर्ड नहीं मिला है। तो यह है नरगिस जी के नाम से बना हुआ हॉस्पिटल और उधर भी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की आप देखोगे तो और ये गाड़ी खड़ा करने के लिए भी बना है डॉक्टर जब आते हैं और ये भी हॉस्पिटल है। तो ये काफ़ी जर्जर अवस्था पहुंच गया है कि देखभाल इसका नहीं हो पाता। अगर कोई गंभीर बीमार होता है तो वो प्रयागराज के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं। तो ऐसा हमको बताना है कि यहाँ पर जब उद्घाटन वगैरह हुआ तो सुनील दत्त जी नहीं आए थे। हाँ यहाँ की ज़मीन खरीदने आए थे और खरीद के और फिर कॉन्ट्रेक्टर को दे दिया हॉस्पिटल वगैरह बना। तो ये चिलबिला गांव में कैंसर हॉस्पिटल सुनील दत्त जी ने नरगिस जी के नाम से बनवाया जो कि ये बहुत बड़ा प्रेम का प्रतीक है कि वो कितना प्रेम करते थे नरगिस जी से। मैं यहाँ प्रयागराज में आई हूँ मैं सोच रही थी कि आपको सभी को संजय दत्त का जो ननिहाल है वहाँ का भी दर्शन कराऊं क्योंकि हमारे मायका ससुराल पास में ही है और पास में ही ये संजय दत्त का ननिहाल भी है। तो हॉस्पिटल अभी बंद है अभी डॉक्टर साहब चले गए हैं अब स्कूल भी छोटा मोटा है जो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए ये बाउंड्री वाल है एकड़ नहीं चलता है यूपी में बिगहे चलता है। तो 5 बिगहे जमीन सुनील दत्त ने खरीदा और खरीद के गाँव वालों के नाम से ऐसे दान कर दिए जितने गरीब लोग हैं परेशान न हों यानी इतनी उनको लगाव था इतना नरगिस जी। आप देखोगे बिल्डिंग ये ऊपर जीर्ण शीर्ण हो गए टूट फूट गई है और पीछे का दरवाजा है मैं आपको दिखाऊंगी पीछे का दरवाजा है। ये जो मैं यादगार दिखा रही हूँ अगर संजय दत्त जी तक ये वीडियो पहुँचे तो वो सोचेंगे कि हम लोग भी नरगिस जी से कितना प्रेम करते थे। हमारे बब्बा जी जो थे वो बताते थे उनकी नानी की कहानी उनके परिवार के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे और बताते थे। इसीलिए अगर ये सब जानकारी हमको न होती तो हमको इतनी उत्साह इतनी प्रेम न होती कि हम ये बिल्डिंग आपको दिखाने आए हैं। तो अगर किसी तरह से ये वीडियो संजय दत्त तक पहुँचता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जितना वो अपने माता जी से प्रेम करते हैं उतना हम भी प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे गाँव के हैं। तो ये देखो ये बच्चे हैं चिलबिला गांव के बहुत सुंदर सुंदर से बच्चे हैं। तो मैं अपने याद के लिए कि मैं अपने जीवन में दोबारा यहाँ आ पाऊँ या ना आ पाऊँ तो बच्चे सदा हमारे साथ हमारे वीडियो में रहेंगे। ये जितने बच्चे हैं देखिए ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे हमको यूट्यूब आसान ज़िंदगी में जब सर्च करेंगे तो देखेंगे कि शारदा पांडे जी चिलबिला गांव में आई थी जो कि इस हॉस्पिटल के साथ साथ बच्चों का भी फ़ोटो ली हूँ और बच्चे बड़े हुए जरूर हमको जानेंगे। तो जगदन बाई जी उस समय की
महिलाओं में बॉलीवुड में सबसे शुरुआती गायिका, संगीतकार, अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और भारतीय सिनेमा के अग्रदूतों में से एक थी। प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की माँ जगदनबाई, जो कि संजय दत्त की नानी जी भी हैं। तो नरगिस जी का गांव हमने आपको चिलबिला गांव में जो भी उनका हॉस्पिटल वगैरह था उसको दिखा दिए। ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो देते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।